चमोली जिले में अब तक वनाग्नि की 81 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे 83 हेक्टेयर वन भूमि में जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन आग को काबू पाने में लगातार प्रयासरत है। जिले में वन प्रभागों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से जगह जगह गोष्ठियां आयोजित कर लोगों को वनाग्नि की घटनाओं को रोकने की अपील के साथ वनों को आग लगाने से बचाने और आग से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी जा रही है। वहीं उपप्रभागीय वनाधिकारी जुगल किशोर चौहान ने बताया कि इस वर्ष जिले में अब तक वनाग्नि की 81 घटनाएं हो चुकी हैं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए 407 वन कार्मिकों की तैनाती की गई है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सर, चमोली जनपद में कुल 81 घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 83 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। हमारे द्वारा सर चमोली जनपद में कुल 106 कुल हैं, जिसमें 407 विभागीय कर्मचारी कार्यरत हैं। वह उन कुल स्टेशनों में 286 फायर वाचर कार्य, जो भी फायर वाचर हैं वो लगातार फील्ड में मूवमेंट कर रहे हैं। हर कुल स्टेशन में लगभग 2-3 कुल स्टेशनों में वाहन भी उनको उपलब्ध कराए गए हैं और सारे संसाधन भी हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। और इसके साथ साथ हमने जिला प्रशासन से भी फायर को रोकने के संबंध में अपील की है और साथ में उनसे सहयोग भी किया जा रहा है।